भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से 4 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है एवं कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसमें सभी वर्ग आहत व परेशान है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित युवा वर्ग हो रहा है, क्योंकि पेपर लीक के कारण बार बार युवाओं की परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से निरस्त हो जाती है। इस कारण युवाओं की ओर से भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव 4 मार्च को किया जाना प्रस्तावित है। इस घेराव का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया करेंगे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर बताया कि अलवर जिले से तकरीबन 5000 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर में विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएंगे। 27 व 28 फरवरी को मंडल मुख्यालय पर वर्चुअल बैठक व कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 1 व 2 मार्च को वाहन रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि राजस्थान सरकार की विफलताओं के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा का बड़ा घेराव किया जाए व आंदोलन कर सरकार को चेतावनी का काम किया जाए। तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सारे वर्ग पूरी तरह से नाखुश हैं, इन सब में आक्रोश है, और इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा 4 मार्च को विशाल घेराव कर रहा है विधानसभा का, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम को युवा आक्रोश विधानसभा घेराव के नाम से दिया गया है। हमारे यहाँ प्रत्येक मंडल पर हमने प्रत्येक विधानसभा पर संयोजक लगाए हुए हैं। जिले के पदाधिकारी प्रवास करेंगे रैली को सफल करने के लिए। 1-2 मार्च को प्रत्येक मंडल में वाहन रैली निकाली जाएगी, और जो ये रिट की परीक्षाओं बार बार लीक हो रहे हैं और बेरोजगारों की रोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार युवाओं को कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इन सब के खिलाफ जो युवाओं में बड़ा आक्रोश है, और इस आक्रोश को लेकर ही ये विशाल विधानसभा का घेरा होगा। बजट तो सरकार ने अच्छा दिया है, फिर आक्रोश क्यों है आपको? बजट अच्छा तो दिखावना बजट है, इसमें है क्या बजट में? अगर चुनाव के समय में ऐसे बजट आएंगे तो इनके पास तो पैसा तो है ही नहीं। सरकार का 1000 का सिलेंडर 500 में कर दिया, आम आदमी को बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार की योजना और स्कीम का लाभ दे रही है राजस्थान सरकार, अच्छी बात है। इनके पास पैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो खामखाव पब्लिक को लुभावने वो लेकर के और बेकार की बातें करते हैं। इनके पास कुछ सामान नहीं है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में बीजेपी, आज तक इससे पहले भी मिला मुझे, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, और आगे भी आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, और उस वो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का नाम दिया है युवा आक्रोश विधानसभा घेराव, विधानसभा घेराव, जो कि एक विशाल स्तर पर होगा। काफी संख्या में युवा इसमें जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल है, चाहे कोई सा भी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, जो भी वर्ग है, सब में आक्रोश इतना फैला हुआ है कि इस सरकार के आज चुनाव हो जाए तो इस सरकार को जानते हैं। अब हम युवा मोर्चे की बात करते हैं। युवा मोर्चे के लिए इन्होंने आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कोई नौकरियां नहीं दे रहे, रिट की परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, युवा और उनके जो बेचारे उनके परिवार वाले परेशान होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। हमारे यहां जो युवाओं को लक्ष्य दिया है
वो हम प्रदेश स्तर से तय किया गया है कि प्रत्येक मंडल से 100 युवा अपेक्षित हैं और 100 से अगर ज्यादा भी जाए तो वो अपेक्षित है। तो इस माह 30 हमारे मंडल हैं, 30 मंडलों में 3000 की संख्या हमारी बनती है, लेकिन 5000 के करीब हमारे युवा यहां से जिले से जाएंगे। मंडलों पर कार्यशाला है, हमने 6 संयोजक विधानसभाओं पर लगाए हैं, प्रत्येक युवा मोर्चे के जो जिला पदाधिकारी हैं उन सब पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई हुई है, वो सब जाकर के मंडलों में प्रवास करेंगे और रैली को सफल बनाने के लिए युवाओं को वहां प्रेरित करेंगे और सबको वाहनों से जयपुर जाएंगे सारे लोग। और एक बड़ा आंदोलन जिसको अपन बहुत बड़ा आंदोलन कहते हैं वो बड़ा आंदोलन होगा और 1-2 मार्च को प्रत्येक मंडल में वाहन रैली निकाली जाएंगी जो भी काफी प्रभावी रूप से और काफी अच्छे तरीके से आंदोलन रूप से निकाली जाएगी और बढ़िया तरीके से सारे कार्यक्रम होंगे और अच्छा इसका घेराव करके सरकार को बताया जाएगा कि आप विफल हो और छोड़ो गद्दी भारतीय जनता पार्टी।